बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे कला एवं शिल्प की वर्कशीट। सप्ताह है बच्चों 9, कक्षा है चतुर्थ। तो देखिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चों मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए और मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को लाल बटन दबा करके सभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आज का जो हमारा उपविषय है वो है पृथ्वी बचाओ। तो देखिए हमें बच्चों पृथ्वी बचाने के लिए क्यों कहा गया है। तो देखिए बच्चों हमारी जो पृथ्वी है उसे हम लोग ही नष्ट कर रहे हैं। किस तरह से, देखिए बच्चों पानी को हम बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी को ही हम नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों आज सभी को पृथ्वी बचाओ पर यहाँ पे ड्राइंग करनी है। तो देखिए आप सभी बच्चों ध्यान से देखिए आप सभी को यहाँ पे किस तरह से ड्राइंग करनी है। तो यहाँ देखिए बच्चों आप सभी को चित्र बनाना है, तो आप सभी ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से करना है आप सभी को, ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल होती है, ठीक है। इस तरह से बच्चों पृथ्वी पर पेड़ आपको बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से बनाने हैं, ये ऐसे करके। बच्चों सभी अपनी कॉपी में वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और बनाते जाइए, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी बनाने में, ठीक है। और हमारे पृथ्वी पर बच्चों देखिए क्या क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घर होते हैं, पक्षी होते हैं, तो ये सभी हम हमारी ड्राइंग में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ये हमने बना दिया पेड़, तो आप भी पेड़ बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। एक तरफ बच्चों देखिए पृथ्वी हमारी कैसी है, ठीक है, पेड़ है, घर है, पक्षी हैं, और दूसरी तरफ देखिए बच्चों जो हमारा पेड़ है, ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिए जो हमारा पेड़ है, ठीक है, उसे जो लोग बाग हैं वो काट रहे हैं। देखिए सभी को दिखाई दे रहा है, तो देखिए बच्चों इसी तरह बस हमको यही बनाना है, यही इस पिक्चर में दर्शाना है कि जो लोग बाग पृथ्वी को हमारी नष्ट कर रहे हैं उसे वो बचाएं। ये देखो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री बनी हुई है, ठीक है, फैक्ट्री बनी हुई है, फैक्ट्री से क्या आ रहा है बच्चों, धुआं निकल रही है, और धुएं से क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है, और प्रदूषण से क्या होता है, हमारी जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित होता है। तो बच्चों इस तरह से देखिए आप सभी को क्या बनानी है, पृथ्वी बचाओ का चित्र आप सभी को बनाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, परिप्रेक्ष्य चित्रकारी कोई एक, बच्चों देखिए इस तरह से आपको कोई भी एक चित्र बनाना है। आपके सामने यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, तो आप स्केल की मदद से बच्चों इस कोई भी दो चित्र आप इनमें से एक बना सकते हो। अगला देखिए बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो देखिए बच्चों स्वतंत्रता दिवस पे एक शुभकामना कार्ड आप सभी को बनाना है। हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है बच्चों वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और इस साल बच्चों हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों इस तरह का एक सुंदर सा कार्ड आप सभी को यहाँ बनाना है। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, महात्मा गांधी। देखिए बच्चों जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने बोला है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ जीवन होगा, तो हमेशा हमें प्रेम से बात करनी चाहिए, प्रेम से लोगों के साथ रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जहाँ हम लड़ाई करेंगे, नाराज़ रहेंगे, गुस्सा करेंगे, वहाँ क्या होगा, सामने वाला भी परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे, इसलिए हमेशा प्रेम से रहो और अपना जीवन खुशी से जियो। खाना पीना, अपने घर पर बनाई जाने वाली चटनी, दही, लस्सी, छाछ इत्यादि को आहार में शामिल करें और उनको बनाना सीखें। गतिविधि, 1 से 2 मिनट का योग अभ्यास तथा व्यायाम आदि का वीडियो अपने कक्षा अध्यापक को बनाकर भेजें। तो देखिए बच्चों आप सभी को क्या करना है, 1 से 2 मिनट का योग का अभ्यास आपको करना है या व्यायाम आप कर सकते हैं, और उसका आपको वीडियो बना करके सभी को और अपने कक्षा अध्यापक को भेजना है। खेल, अपनी पसंद के कोई भी व्यायाम व योगासन प्रतिदिन करें।
दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अगला देखिए बच्चों, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि से बचने का एक ही उपाय, मच्छर पैदा ना होने दें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है बारिश का मौसम आ चुका है, ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि बच्चों जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ वहाँ मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छर से होने वाली बीमारियाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हमें हो सकती है। तो बच्चों ना मच्छर पैदा होने देना है और ना ही हमें ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सप्ताह में एक बार कूलर को साफ़ करें, सुखाएं या उसमें एक बड़ा चम्मच टैमीफोस, डीजल या पेट्रोल डालें। पानी की टंकियों व होदियों के ढक्कन हमेशा बंद रखें। टूटे फूटे बर्तन, टायर इत्यादि खुले में ना रखें, इनमें बरसात का पानी ना भर सकता और मच्छर पैदा होते हैं। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। चिड़ियों के पानी के बर्तन, मनी प्लांट, फ्रिज की डिफ्रॉस्ट ट्रे, फेंगशुई पौधे का पानी इत्यादि प्रतिदिन एक बार अवश्य बदलें। तो बच्चों इन सभी बातों का आप सभी विशेष ध्यान रखें, और सभी इस तरह से आप सभी अपनी जो ड्राइंग की जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बच्चों आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।